हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। कहानी वाला तो बच्चा देखा ही के डर जाता है, वो कहता है बा कहानी वाला है, बहुत कठिन होता है, ठीक है, ऐसा बोलता है बच्चा। लेकिन इसको मैं क्या करूँगा, आसान कर दूँगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे, देखिए यहाँ पे वर्गमूल याद करना है, यहाँ पे इसका घनमूल याद करना है, आप तो इतना ही तो जानते ही हो, ठीक है। तो सर किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ समझ में नहीं वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार कहेंगे तो और दोबारा बता देंगे। चलिए देखिए, अब एक कहानी में 27 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -9/ कहानी में 3 ही रहने देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/ कहानी में 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए चूंकि कड़ी है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ा से एक बार निकल जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 9/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ भी जोड़ा बनेगा और एक जोड़ा निकल जाएगा, ये बचेगा कितना, 1/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे चूंकि त्रिक बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो त्रिक बनाएंगे, त्रिक में से एक बार आता है तो हो जाएगा -1/ क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसा कि हमने कर लिया है, अब देख रहे हैं कि ये भी सेम है और चिन्ह विपरीत है, तो कट जाएंगे ये आपस में, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, एक कट जाएगा। अब बचा के जी, अब जो बचा है उसको लिख लिया जाए, बचा है 3 बचा है और -9/ कौड़ी में क्या लिखा है, 3 बचा है, ठीक है। चलिए सिंपल इसका क्या करेंगे, हम हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका मैं बताया हूँ, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका घटाना है तो घटा दीजिए, जोड़ना लगा तो जोड़ देंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 × 3 × 3 -9/ नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब साल कर दीजिए, देखिए कौड़ी में 3 में कौड़ी में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब 3 × 3 का करेंगे 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 - 9/ कौड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको नीचे उतारेंगे, अब बताइए 9 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0/ कौड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए एक रूल होता है कि किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान सदैव 0 के बराबर होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, इतनी बताई समझ में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा एक बार, और क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। हालांकि देख रहे हो लोग कहते हैं कठिन है, देखिए इसमें कौन सा नियम लगा है, एक नियम लगा है कौन, ये देख लीजिएगा, जब कौड़ी में किसी संख्या से कौड़ी में गुणा किया जाए और कौड़ी में सेम राशि होती है तो कौड़ी क्या होती है, हट जाती है, इतना आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कौड़ी यही एक रूल होता है, कौड़ी में ए गुणे कौड़ी में ए बराबर कितना हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, ये आपका क्या सूत्र को आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है।